अखिल भारत हिंदू महासभा ने 3 महीने के टोरेंट का बिल माफ करने की मांग उठाई। जैसा कि विश्व के कोविड-19 महामारी बीमारी चल रही है, जिसके देखते हुए आगरा में टोरेंट पावर द्वारा जो बिल भेजे गए हैं उसी को लेकर भगवान टॉकीज चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अखिल भारत महासभा द्वारा बताया गया कि सभी कारोबार, फैक्ट्री और कारखाने बंद हैं, जिससे लोगों की आमदनी का जरिया बिल्कुल बंद है। तो ऐसी आर्थिक मंदी के समय लोगों के लिए 3 महीने की टोरेंट का बिल माफ किया जाए। साथ ही बताया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। शहर में चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान, जिसमें जनता से भी पूछा जाएगा। अर्जुन चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आगरा की जनता वैसी परेशान है। 3 महीने का लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें उनकी रोजी रोटी सब छिन गई है, और उसके ऊपर जो टोरेंट है जो कि उनका उत्पीड़न कर रही है, बिल के लिए उनको आतंकित कर रही है, अपने गुर्गे घर घर भेज के उनको आतंकित किया जा रहा है। हमारी मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन है, अपील है गरीब जनता की कि उनके 3 महीने का बिल माफ किया जाए, जिससे कि इस महामारी काल में उनको थोड़ा सा राहत मिले और उनके जीवन को एक नया उद्देश्य मिले। काफी गरीब परिवार है, उनकी सूचना आ रही थी कि इसको बिजली का बिल को माफ किया जाए। कई बार कई संगठनों ने इसको ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी कोई असर नहीं है सरकार पर। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक अभियान चालू कर रहे हैं, सदस्यता अभियान, जो हमारा पहला चरण है। दूसरे चरण में कई ऐसे परिवार हैं जो इच्छा मृत्यु तक मांग चुके हैं, तो उसके हम लोग सोमवार को एक खून से लेटर भी, एक ज्ञापन भी लिखेंगे योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन परिवारों के पास खाने के लिए नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, तो जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा है उस दिन से लेकर आज तक का बिजली का बिल योगी सरकार आदेश पारित करे, वरना कई ऐसे परिवार हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाएं, खाना खिलाएं, या टोरेंट पावर की बिजली के इस समस्या को निजात दिलाएं। हिंदू महासभा यह आह्वान कर रहा है कि अगर सरकार ने इसको माफ़ नहीं किया तो